नमस्कार, घमासान डॉट कॉम में आपका स्वागत है। मैं हूँ कृष्णपाल राठौर, मेरे साथ है घमासान डॉट कॉम के संपादक मुकेश तिवारी। आज मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ की टीम बन गई है, सर कैसी है ये टीम? नहीं, अच्छी टीम है और टीम बनाते वक्त जो है अनुभव को भी तरजीह दी गई है और युवा जो चेहरे हैं उनको भी टीम में शामिल किया गया है। एक तरफ विजय लक्ष्मी साधो, डॉक्टर गोविंद सिंह, सज्जन सिंह वर्मा, तुलसी सिलावट जैसे पुराने चेहरे हैं, हरीफ अकील जैसे पुराने चेहरे हैं, तो वहीं जो है जयवर्धन सिंह, कमलेश्वर पटेल और भी कई नए चेहरे को, पुराने चेहरों को तो रखना ही स्वाभाविक ही है, नए चेहरों को भी मौका दिया है। इस टीम का क्षेत्रीय संतुलन कैसा है? मध्य प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है कृष्णपाल, और क्षेत्रीय संतुलन बैठा पाना मंत्रिमंडल बनाते वक्त, तो वो भी जब पहली शपथ हो किसी भी नए मंत्रिमंडल की, तो बड़ा मुश्किल होता है। फिर भी जो है मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस के रणनीतिकारों ने ये प्रयास किया है कि मध्य प्रदेश के जितने भी प्रमुख क्षेत्र हैं, चाहे वो भाखड़ा निमाड़ हो, आकोषण हो, मध्य भारत हो, ग्वालियर चंबल संभाग हो, विंध हो, सभी को इसमें समाहित किया जाए, सभी को इसमें प्रतिनिधित्व मिले। आदिवासी अंचलों का भी खासतौर पर ख्याल रखा गया है, ग्रामीण अंचलों का ख्याल रखा है, क्योंकि कांग्रेस आदिवासी अंचल और ग्रामीण अंचल में अच्छी सफलता मिली है। और गुटी संतुलन? हाँ, तीन चार जो बड़े गुट कांग्रेस के हैं, उन सभी गुटों के नेताओं के समर्थक विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिली है, और बड़े नेताओं के जो बेटे हैं उनको भी टीम में शामिल किया गया है। दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री, उनके बेटे जयवर्धन सिंह को टीम में लिया गया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुभाष यादव के बेटे सचिन यादव जो कि प्रस्ताव से विधायक हैं, उनको भी टीम में जगह मिली है। तो कोशिश तो की है एक अच्छी टीम बनाने जी, और आगे अब और विस्तार होगा, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत असंतोष तो उभरता ही है, क्योंकि इतने सारे विधायक हैं और उसमें से कुछ को चुनना है।